I'm sharing the screen. What is the meaning of wheel of retailing theory? I'm just going to elaborate it. After completing this point, we'll start with the new theory. Okay. So you all are able to see the screen. Screen dikh raha hai sabko? Yes, ma'am. Okay. तो व्हाट इज द बेसिकली व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, ये एक हाइपोथेसिस है, कंडीशन अप्लाई किया गया है यहाँ पर जो बताता है हमें दैट व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसे उसमें आपके मल्टीपल स्टेजेस आफ्टर 3 or 4 स्टेजेस जो प्रोडक्ट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो साइकिल है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है ये आपके रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके रिटेल के लाइफ के बारे में एक अजम्पशन है जो कि इस थ्योरी के द्वारा बताया गया है. ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो आपका इट स्टार्टेड एज अ डिस्काउंट रिटेल बिजनेस, मतलब आप एक ऐसा बिजनेस के साथ स्टार्ट करते हैं जहां पर आप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को इन्वॉल्व यानी उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आप अपने बिजनेस में, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करें, आपके रिटेल से प्रोडक्ट को परचेज करें, एंड ग्रेजुअली देन इट दे कन्वर्टेड इनटू द लग्जरी ब्रांड और द डिपार्टमेंटल स्टोर. सो बेसिकली द व्हील ऑफ रिटेलिंग जो थ्योरी है ये 4 फेजेस के बारे में बताया गया है. तो जो डेफिनेशन है वो शायद मैंने आप लोगों को पहले क्लास में नहीं कराया होगा, यहाँ का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि रिटेलिंग जो है, व्हील ऑफ रिटेलिंग एक हाइपोथेसिस है, एक कंडीशन अप्लाइड सिचुएशन है जहां पर ये माना जाता है कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का क्या लाइफ साइकिल होगा. इट स्टार्ट्स एज अ डिस्काउंट रिटेल बिजनेस, इस टाइप जो रिटेल है वो एक डिस्काउंट रिटेल बिजनेस की तरह शुरू होते हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स वो होते हैं जिनको प्राइस की वजह से उनका डिमांड में चेंजेस आते हैं, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, तो दीज पीपल आर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स. ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू, यानी कि पहले जो बिजनेस शुरू होता है वो एक डिस्काउंट रिटेल बिजनेस की तरह होता है स्टार्ट, और फिर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एक लग्जरी ब्रांड स्टोर में कन्वर्ट हो जाता है या डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हाई एंड कंज्यूमर्स को, यानी कि वैसे कंज्यूमर्स को जो लग्जरियस प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक्सपेंसिव और ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको फिर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. सो दिस इज अ होल साइकिल. ठीक है, एक तरीके से साइकिल जो है वो चलता रहता है. और जो ये व्हील ऑफ रिटेलिंग जो है थ्योरी जो है, इट वॉज बेसिकली प्रपोज्ड इन द ईयर ऑफ 1931 बाय प्रोफेसर मैलकॉम. ठीक है, मैलकॉम मैकनायर के द्वारा, ये नायर के द्वारा ये आपका थ्योरी जो है ये प्रोवाइड किया गया था, बताया गया था. व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है, यहां देखिए इसके किस तरीके से स्टेजेस हैं, यू ऑल आर एबल टू सी इट ना. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज द एंट्री फेज, जस्ट लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ एंट्री फेज है सबसे पहले. उसके बाद जो सेकेंड वन है दैट इज द ग्रोथ फेज. द फर्स्ट वन इज द एंट्री फेज एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज एंड द थर्ड वन इज द मैच्योरिटी फेज एंड द फोर्थ वन इज द डिक्लाइन फेज. So in the entry phase, what I already told you, जो theory भी यही बता रहा है, definition भी यही बता रहा है कि जब हम entry करते हैं तो हम एक ऐसे retail business होते हैं जहां पर हम बहुत low cost में product को provide कर रहे होते हैं. ठीक है, चूंकि हम एंट्री फेज में होते हैं तो हमारे रिटेल के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस और नॉलेज भी नहीं होता है, तो यहाँ सिचुएशन क्या होता है. सो इन द फर्स्ट फेज एंट्री फेज, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस भी लो होगा, हमारे रिटेल का स्टेटस भी लो होगा, और जो मार्जिन, जो प्रोडक्ट को सेल करने में जो हम मार्जिन लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 20 रुपीज का प्रोडक्ट जो है, जो आपने होलसेल से खरीदा 20 में, आप अगर उसको 30 में ऐसे नॉर्मली सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मार्जिन कम करके आप उसको 25 में सेल कर रहे हो, तो इसको कहते हैं लो मार्जिन. सो यहाँ पर आपके 3 सिचुएशन होंगे, लो प्राइस, लो स्टेटस एंड लो मार्जिन. ठीक है, फिर आप जैसे ही ग्रोथ फेज में जाओगे, जैसे ही आप ग्रोथ फेज में जाओगे, वैसे ही आप अपने स्टोर को थोड़ा बहुत चेंज करोगे, और यहां पर अवेयरनेस जो है, अब
कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके स्टोर के बारे में जानते हैं, दे आर अवेयर अबाउट द स्टोर, दे आर अवेयर अबाउट द रिटेल सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय यू. तो यहाँ पर आपका प्राइस जो होगा डैट विल बी हाई, स्टेटस जो होगा डैट विल बी हाई, एंड जो मार्जिन होगा वो भी आप ना हाई रखेंगे. और ये जो दोनों स्टेज है दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिव स्टेज, ठीक है. सो ये दोनों स्टेज इनोवेशन स्टेज कहलाएगा साथ में. और स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है एंट्री फेज, सेकेंड है आपका ग्रोथ फेज. नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, दैट इज अ मैच्योरिटी फेज. तो जैसे पीएलसी में याद होगा ना तुम लोग को, इंट्रोडक्शन स्टेज एंड देन ग्रोथ देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन. यहाँ जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज है वो एक्चुअल में यहाँ एंट्री फेज है कि जब आप मार्केट में एंटर करते हो एज अ रिटेलर, ठीक है. फिर मैच्योरिटी जो फेज है यहाँ पर आपका जो प्राइस होगा वो ग्रोथ फेज से भी प्राइस ज्यादा होगा, हाई प्राइस होगा, आपका हाई मार्जिन भी होगा और हाई इवन हाई स्टेटस होगा. इन शॉर्ट सबसे पहले जब आप एंटर करोगे मार्केट में एज अ रिटेलर तो आपका प्राइस लो होगा, लो स्टेटस होगा, लो मार्जिन होगा, क्योंकि आप डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को और कंज्यूमर बेस बनाने की कोशिश करोगे. मार्केट पेनिट्रेशन एक वर्ड होता है, बेसिकली वो आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को बनाओ, है ना, जो आपके स्टोर में आने लगे. ग्रोथ फेज में वंस यू विल गेट सो मेनी कस्टमर्स, नाउ you are going to basically change the format of your retail and now you are going to take high margin, high aapka status hoga aur aapka price bhi product ka high hoga. Once you will enter in the maturity phase, here you are going to put even more price than whatever you are selling at the growth phase and status bhi aapko aur bhi zyada high hoga और आपका मार्जिन भी हाई होगा. लेकिन मैच्योरिटी फेज के बाद एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी. आपके रिटेल स्टोर को आप जो फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज करके उस फॉर्मेट को कंटिन्यू करके चलोगे, ठीक है. तो ये दोनों जो फेज है दैट इज अ ट्रेडिंग अप स्टेज. इससे पहले जो था आप क्रिएटिविटी कर रहे थे, इनोवेशन कर रहे थे, आप ग्रोथ यानी आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश में थे फर्स्ट इनोवेशन स्टेज में. ट्रेडिंग अप स्टेज में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के स्टेज में, ठीक है. मैच्योरिटी फेज के बाद नेक्स्ट है दैट इज अ डिक्लाइन फेज. और इस डिक्लाइन फेज में क्या है कि आपका यहां पर से नए रिटेलर्स जो हैं वो इवन आपसे भी ज्यादा लो प्राइस में प्रोडक्ट को लेकर आएंगे. रिटेलर जो होंगे वो डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे. डिक्लाइन फेज में न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे और लो फीचर के साथ, बेटर सर्विस के साथ अपनी बेसिकली रिटेल स्टोर को रन करेंगे. So, यहां पर इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा. और हो सकता है कि या तो आप कुछ नया, अगर आपने नए ब्रांड को अडॉप्ट कर लिया, स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट हो गए, या फिर आपने कोई स्टोर फॉर्मेट बाद में चेंज कर लिया, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप मार्केट में सस्टेन करो इवन इन द डिक्लाइन फेज. डिक्लाइन फेज के बाद आप हो सकता है कि थोड़ा इंप्रूव कर जाओ. डिक्लाइन में एक्सट्रीम डिक्लाइन होकर आपका रिटेल स्टोर बंद ही हो जाए ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो, चेंजेस लेकर आते हो या इंप्रूवमेंट करते हो. लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं किया तो हो सकता है कि डिक्लाइन फेज में आपके जितने कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे न्यू कॉम्पिटिटर्स के पास प्रोडक्ट परचेज करने चले जाएंगे, यानी उनका जो प्रेफरेंस होगा दैट विल बी चेंज फॉर द रिटेलर्स. सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी स्टेज. यहां पर मेन एम सिर्फ होगा कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ. सो दिस इज अ वल्नरेबिलिटी स्टेज. तो यहाँ दो दो स्टेज करके, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज नोन एज इनोवेशन स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड इज अ ट्रेडिंग अप स्टेज, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज द वल्नरेबिलिटी स्टेज. यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ एवरीवन? यस मैम. यस मैम. पहला है एंट्री है, जिसमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ, अभी इन्होंने सेम वही चीज को समझा दिया है जो मैंने अभी आपको बताया. दे आर बेसिकली इन एलैबोरेटिव फॉर्म इन्होंने लिख दिया है कि प्रोडक्ट जो होगा बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ, लो मार्जिन के साथ, रीजनेबल इकोनॉमिकल प्राइस के साथ आप अपने प्रोडक्ट के साथ डील करोगे. आपका जब तक मार्केट में एक रेप्यूटेशन बिल्ड नहीं होता है आपके रिटेल का, तब तक आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस यानी अपने प्रोडक्ट का प्राइस और मार्जिन जो है वो थोड़ा लो रखोगे, क्योंकि लोग आपके बारे में जानते नहीं, कंज्यूमर्स जानते नहीं है. उसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होगा, यानी कि ग्रोथ स्टेज में
तो मैं इससे परेशान हो गया, क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि आपका जो लो प्राइस स्ट्रेटजी है वो तब तक था जब तक आपका मार्केट में रेप्यूटेशन नहीं बनता है। वंस रेप्यूटेशन इज बिल्ड, वंस यू हैव सो मेनी कंज्यूमर्स एट दिस लेवल, नाउ रिटेलर इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और इंक्रीज द मार्जिन। नाउ द एंड इवन वो चाहे तो अपने स्टोर को अपग्रेड भी कर सकता, जो मैंने आपको बताया था कि अपग्रेडेशन कैन बी पॉसिबल इन द ग्रोथ स्टेज एंड इवन सम एडिशनल सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड, बट अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट स्टेज, राइट। अब जो भी आपके वैसे कंज्यूमर्स थे जो कि आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, हो सकता है कि वो अभी भी आप ही के यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन भी सही होगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अब आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका कस्टमर बेस बन चुका है। अब नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी फेज। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर उसको रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लोग पहचानते हैं, गुडविल अच्छा है, गुडविल हाई है, रेप्यूटेशन है और वेल नोन बिजनेस एंटिटी बन चुका है आपका रिटेल बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस जो है इज अनेबल टू एक्वायर मोर न्यू कस्टमर्स। अब यहां मैंने बोला था ना कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, कस्टमर्स जो है वो आपके पास ऑलरेडी इतने होंगे कि आपको प्रॉफिट, आप तब भी प्रॉफिट पर ही रहोगे, आप न्यू कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, एक्वायर नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे और वो लॉयल होंगे और जो लॉयल होंगे दे आर गोइंग टू बी रिटेन इन योर बिजनेस, ठीक है। एंड बिकॉज जो लॉयलिटी होगा तो वहां रिटेंशन होगा ही, है ना। फिर डिक्लाइन का मतलब है यहां से बिजनेस जो है वो आपका डाउन होता चला जाएगा, दूसरे फर्म्स आएंगे और आपके जैसे जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो बेटर सर्विसेस वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा, जो आपके कस्टमर्स जो हैं उनको जब दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है कि वो कस्टमर्स उस दूसरे बिजनेस से, दूसरे स्टोर से, दूसरे रिटेल स्टोर से खरीदना सामान प्रोडक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। इन नो टाइम जो कॉम्पिटिटर्स होगा वो आपके मार्केट को टेक ओवर करेगा, आपके कंज्यूमर बेस को टेक ओवर करना शुरू करेगा एंड जो ऑर्गेनाइजेशन होगा टेन टू लॉस इट्स कस्टमर, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था वो अपने हो सकता है कस्टमर को लॉस उनका होना शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पर या तो ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव करने की कोशिश करेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, डीवेस्टमेंट करेगा, मर्ज हो जाएगा दूसरे किसी ब्रांड के साथ, मर्जर एक्विजिशन और किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजिक अलायंस हो सकता है वो अडॉप्ट करे, या तो चाहे तो वो अपने फॉर्मेट को बदल सकता है या अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर सकता है अगर वो चाहे तो, है ना। इफ दे वॉन्ट टू चेंज द प्रोडक्ट लाइन और समथिंग तो इट माइट बी पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यू प्रोडक्ट लाइन के साथ आप वापस से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव कर पाओ, या तो अगर आप बहुत ज्यादा लॉस में हो तो आप मर्ज हो सकते हो किसी और बिजनेस के साथ, डिवेस्टमेंट हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, आपको कोई एक्वायर कर लेगा आपके रिटेल बिजनेस को, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अदरवाइज लेटर ऑन व्हाट विल बी हैपन दैट योर होल कस्टमर इज गोइंग टू मूव टुवर्ड द न्यू कॉम्पिटिटर्स एंड मे बी आप लॉस में रहेंगे और बाद में आपका रिटेल जो है, रिटेल बिजनेस जो हो सकता है वो आपका डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। सो दिस इज अ व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। अब यहां पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अगर हमें इनोवेशन स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हमें लिमिटेड रखना चाहिए, यानी ग्रोथ और एंट्री फेज में हमें अपने प्रोडक्ट को लिमिटेड रखना चाहिए, फैसिलिटीज हम लिमिटेड दे सकते हैं, मिनिमल सर्विसेज दे सकते हैं, लो प्राइस रख सकते हैं लेकिन ग्रोथ में आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, स्टेटस आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लो ही स्टेटस रहेगा, इकोनॉमिकल प्रिमाइसिस, इकोनॉमिकल प्रिमाइसिस मतलब जो लोकेशन आप यूज करोगे अपने स्टोर को रन करने के लिए दैट विल बी इकोनॉमिकल, ऐसा नहीं कि आप सबसे पॉश एरिया में जाके आपने कोई प्रिमाइसिस ले लिया और वहां पर आपने बिजनेस शुरू किया, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, सो प्रिमाइसिस भी जो होना चाहिए दैट शुड बी इकोनॉमिकल, सो दैट इज इन द लो एंड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन इज द मीडियम एंड स्ट्रैटेजी, दिस इज द ट्रेडिंग अप स्टेज इज इन द टू फेजेस, द फर्स्ट वन इज द ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज द मैच्योरिटी, राइट। सो ट्रेडिंग अप आपके स्टेज में क्या होगा, मीडियम एंड स्ट्रैटेजी इसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग अप स्टेज की जगह पे, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करोगे, प्रोडक्ट नंबर्स इंक्रीज करोगे, प्रोडक्ट जो टाइप्स है वो इंक्रीज करोगे, बेटर फैसिलिटीज आप ला सकते हो,
एडिशनल सर्विसेज दे सकते हो, मॉडरेट प्राइस रख सकते हो, आपका स्टेटस इंक्रीज हो सकता है गुड स्टेटस, और अप मार्केट लोकेशन. यू कैन बेसिकली इधर यू कैन एक्सपैंड और यू कैन बेसिकली शिफ्ट टू अ पॉश एरिया और अ लोकेशन जो है, आप बेटर लोकेशन में भी नया स्टोर स्टार्ट कर सकते हो. तो दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द मीडियम एंड स्ट्रैटेजी. उसके बाद आपका है हाई एंड स्ट्रैटेजी. सो इन हाई एंड स्ट्रैटेजी जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, ठीक है. ये एक मिनट, ये वल्नरेबिलिटी स्टेज में है, लेकिन यहाँ पर आपका पोजीशन स्टैटिक तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो स्टेज है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. तो मैच्योरिटी में आपके पास प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, फैसिलिटीज अच्छा होगा, प्राइस हाई होगा, लेकिन यहाँ पर से ही आपका डिक्लाइनिंग रोल भी शुरू हो जाएगा कि लेटर ऑन हो सकता है कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन भी होना शुरू हो जाए. नॉट प्रोडक्ट, रिटेल, आपका स्टोर. आ गई बस समझ में सबको? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? एवरीवन क्लियर हो गया सबको? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्योरी, रिटेल थ्योरी. तो ये मैंने नोट्स भेज दिया, एक बार इसको रीड आउट कर लेना. आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा. समझ में आ गया है ना? Yeah. कराया था तो मैंने ये टर्म आप लोगों को बताया था कि अकार्डियन जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप लोगों ने एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों को याद हो. तो अकार्डियन जो थ्योरी है वो फोकस करता है विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट पे, ठीक है. प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इन योर स्टोर. आपके स्टोर में कितने प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं और आप उसको किस तरीके से असॉर्ट करते हो, क्लासीफाई करते हो, राइट. तो यहां पर एक सिचुएशन बताया गया है कि सबसे पहले जब आप कोई रिटेल स्टोर ओपन करोगे, शुरू करोगे, तो आप ना मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन आपके पास होगा. लाइक इफ यू विल स्टार्ट अ स्टोर, मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल स्टोर. आप जनरल स्टोर की तरह शुरू होंगे, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होगा, लेकिन प्रोडक्ट विड्थ जो होगा, प्रोडक्ट विड्थ का मतलब होता है आपके पास प्रोडक्ट लाइन जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, प्रोडक्ट लाइन बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रोडक्ट लाइन में ना आपका डेप्थ नहीं होगा, ठीक है. यानी जैसे मान लीजिए कि पेंसिल इनके पास, एक जनरल स्टोर के पास, तो पेंसिल में इनके पास मल्टीपल वेराइटीज का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है. अगर इनके पास इरेजर है तो इरेजर में मल्टीपल वेराइटीज का ऑप्शन नहीं होगा. यानी डीप असॉर्टमेंट नहीं होगा, लेकिन आपके पास वेराइटीज बहुत सारे होंगे. जैसे हमारे घर के भी आसपास कोई जनरल स्टोर होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पास ग्रोसरी आइटम भी होता है, उनके पास स्टेशनरी आइटम भी होता है, होता है ना, लेकिन वैरायटीज नहीं होगा. कि आप स्टेशनरी में जैसे आपको मल्टीपल नोटबुक, जैसे आपको क्लासमेट चाहिए, आपको नवनीत चाहिए, कोई भी ऐसा आपको चाहिए, वो उनके पास हो सकता है अवेलेबल ना हो, या एक आध दो कोई टाइप ऑफ नोटबुक अवेलेबल हो, राइट. वैरायटीज नहीं मिलेगा. तो एक रिटेल स्टोर इस तरीके से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे ही देखेगा कि उसका जो स्टोर है उसका बेनिफिट उसको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आप किसी के बेसिक नीड को फुलफिल कर लो, लेकिन अगर किसी को वैरायटी सीकर है, कोई पर्सन जिसको भाई पेंसिल चाहिए तो भाई अप्सरा का चाहिए, पेंसिल चाहिए तो नटराज का चाहिए, अगर इस तरीके का डिमांड और आपके पास वो नहीं है, तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड दैट यू जस्ट नीड एक ही प्रोडक्ट लाइन में आपको वैरायटीज रखने की जरूरत है. तो आप अपने आप को दोबारा से शिफ्ट करने की कोशिश करोगे कि अब आप एक स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट करोगे खुद को. जो भी प्रोडक्ट आपके पास होगा वो प्रोडक्ट में डीप असॉर्टमेंट होगा. यानी कि आपका एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट टाइप आपके पास कम होगा, लेकिन जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें वैरायटीज बहुत ज्यादा होंगी. अगर ये तो मैंने जनरल स्टोर का एग्जांपल लिया, अब इन्हों ये जो रखेंगे ये सिर्फ मान लो चार ही आइटम रख रहे हैं. स्टेशनरी है इनके पास, पहले ये बहुत सारे आइटम रख रहे थे, अब मान लो सिर्फ स्टेशनरी रखेंगे और स्टेशनरी में इनके पास सारी वेराइटीज होंगे, आपके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर के इनके पास ग्राफ से लेकर के इनके पास चार्ट पेपर से लेकर हर चीज इनके पास स्टेशनरी का प्रेजेंट होगा. तो दैट इज अ स्पेशलिटी स्टोर. वंस दे आर गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्फ एज अ स्पेशलिटी स्टोर, एंड वंस दे विल सी कि इनका जो स्टोर है अब
वो डिमांड जो है वो जनरल स्टोर की तरह ये डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, इनके पास प्रोडक्ट है लेकिन ग्रोसरी आइटम नहीं है. तो व्हेन दे विल सी और ऑब्जर्व दैट इट माइट बी चांसेस देन दैट दे अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द जनरल स्टोर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिमांड इन द मार्केट दे आर गोइंग टू चेंज देयर फॉर्मेट. ठीक है, वंस दे विल दे आर जनरल स्टोर, देन अगेन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्फ इन टू द स्पेशलिटी स्टोर एंड अगेन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्फ एज अ जनरल स्टोर. सो दैट इज नोन एज अकार्डियन थ्योरी. समझ में आया? समझ में आया? यस मैम. यस मैम. So this theory focuses on the width of the product assortment sold by the retail outlet and claim a general specific general cycle. General specific general cycle. ये इनका concept और focus है. The cycle begins by retailer selling a wide varieties, like in the general store they are selling wide varieties. ठीक है, wide assortment they have of goods. But they have a limited number of product under one product line. मतलब एक product line के under में इनके पास बहुत सारे product की varieties नहीं थी. Then they will convert themselves into the specific. Once they understand that now the specific is even not working because whatever consumer, जो भी consumer उनके general store से product खरीदते थे, अब वो इनके store से नहीं खरीदते हैं. Then they will try to convert themselves again to the general store. आ गई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? दिस थ्योरी इज क्लियर? अकार्डियन थ्योरी? यस मैम. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी हो गया ना. अच्छा, एक और होगा इसमें, टेल लाइफ साइकिल. मैं बता देती हूँ दो और थ्योरी. डायलेक्ट सिलेक्शन थ्योरी, न्यू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. अब ये क्या है कि ये जो आइडिया है बेसिकली इट केम फ्रॉम डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है ये प्रपोज करता है, ये बताता है that a species can survive only when it adapts best to environmental changes. Darwin selection theory कहता है कि कोई भी स्पीस जो है वो तभी सर्वाइव कर सकता है जब जो इन्वायरमेंट है उसके लिए वो सुटेबल हो. राइट, तो यहां पर इसका यूटिलाइजेशन, इसका जो ये जो पूरा थ्योरी है, जो बायोलॉजिकल एक तरीके का थ्योरी है, ये कैसे रिटेल के लिए है? तो ये थ्योरी कहता है कि जैसे ही आप मार्केट में चेंज देखते हो, जैसे आज की मैं अगर बात करूं, द whole world is converted into the digital place, I guess, right? For small to small things, even if you want to take the medicine, there is option of online, right? So, आज का जो trend है कि अगर आप कोई भी business शुरू करते हैं, you have to be in the online facility, कम से कम आपको ये provide करना ही करना है. That is a requirement nowadays, right? So, ये theory यही कहता है कि जैसे ही आप market में change देखते हो, जैसे ही आपको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपको अपने फॉर्मेट को, अपने रिटेल फॉर्मेट को चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ज्यादा आपको एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस प्रॉफिट बेनिफिट दे सकता है, तो यू कैन चेंज योर बिजनेस फॉर्मेट एज वेल. राइट, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट, इधर दैट इज अ माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट. माइक्रो और मैक्रो पता होगा आप लोगों को कि जो माइक्रो एनवायरमेंट होता है वो आपके बिजनेस को, इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को जब इफेक्ट करते हैं, जैसे आपके इंप्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स. मैक्रो एनवायरमेंट होता है जो कि टेक्नोलॉजिकल, पेस्टल आप लोगों ने सुना होगा, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, है ना. सो उस हिसाब से जैसे बिजनेस अपने आप को बदलती है ना, अडैप्टेबिलिटी लाती है, डायनेमिक होता है बिजनेस का अप्रोच, वैसे ही रिटेल का अप्रोच भी डायनेमिक होना चाहिए. आपको अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, या तो उस बिजनेस, उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढालना पड़ेगा, अडॉप्शन करना पड़ेगा, न्यू चेंजेस लाना पड़ेगा.
राइट तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जो एनवायरमेंटल थ्योरी है, वो यही बताता है कि अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो एज अ रिटेलर, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ द रिटेल. जैसे जैसे रिटेल में चेंजेस आएगा, वैसे वैसे आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन और एनवायरमेंटल थ्योरी. आप जैसे अभी आप देखिए कंज्यूमर का लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो जब कंज्यूमर का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड बदल रहा है ना, कंज्यूमर का डिमांड बदल रहा है. कंज्यूमर जो है अब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कंज्यूमर जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कंज्यूमर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कंज्यूमर डिजाइनर प्रोडक्ट बेसिकली प्रेफर करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जब कस्टमर्स का डिमांड चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको भी अपने रिटेल इंस्टीट्यूशन रिटेल को चेंज करना पड़ेगा, आपके फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा. आ गई बात समझ में? आज मैं आपको बताती हूँ कि देखो इंडिया में 94% अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, 6% ऑर्गेनाइज्ड है. तो जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, आप धीरे धीरे देखो कि मार्केट में अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर भी ओपन हो रहा है तो दे आर बेसिकली शोइंग एंड यूजिंग द प्रॉप्स लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड. जैसे अगर आप एक चाय का भी देख लो, आजकल जो स्टोर ओपन हो रहा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में ओपन हो रहा है ना, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनाइज्ड स्टोर है नहीं, लेकिन दे आर यूजिंग प्रॉप्स लाइक दैट, है ना, थोड़ा डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं वो. तो ये वही चीज को आपको भी करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, अकॉर्डिंग टू द मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंट, जो भी बिजनेस को आपको इफेक्ट कर रहा है उस हिसाब से आपको चेंज भी होना है अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो. अगर आप अडाप्ट नहीं करेंगे, आप सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाएंगे. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस थ्योरी इज क्लियर? यस मैम. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज द डायलेक्टिक प्रोसेस. सो डायलेक्टिक प्रोसेस जो है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शायद बताया था. डायलेक्टिक प्रोसेस जो है, ये आपका एक यहाँ पर बुक में तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बुक का ही यूज किया है. सो जो कन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, इवोल्यूशन थ्रू द डायलेक्टिक प्रोसेस, इसको डायलेक्टिक थ्योरी भी कहते हैं और कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका, तो इट इज अ प्रोसेस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ फॉर्मेट. राइट, सो ये कहता है कि हमेशा जो आपका रिटेलिंग है उसमें आप देखिएगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कुछ नया हमेशा आता रहता है, राइट, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर्मेट है उसमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. विद इन अ ब्रॉड रिटेल कैटेगरी, इसको लिख लो कहीं पर, क्योंकि इसका नोट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो शॉर्टकट में लिख लो ताकि आप बाद में कभी भी एग्जाम के टाइम पे इसको एक बार रिवाइज कर पाओ. Within a broad retail category, there is always a conflict between the retailing, between a retailing similar formats, which leads to the development of new formats. Thus the new retail formats are evolved through dialectic process of blending two format. तो ये थ्योरी देखो क्या बताता है, ये थ्योरी कहता है कि जब एक जैसा कोई रिटेल फॉर्मेट, दो रिटेल फॉर्मेट है, तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक तरीके से कंपटीशन जो है वो हमेशा चलता रहता है, और उस कंपटीशन का रिजल्ट होता है कि एक नया फॉर्मेट क्रिएट होता है. एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक, यहाँ पर तीन टर्म्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं. पहला है थेसिस,
सेकेंड इज एंटीथेसिस एंड फाइनल वन इज सिंथेसिस. ठीक है, तो थेसिस जो है वो एक सिंगल रिटेलर है. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. थेसिस जो है इट इज अ सिंगल रिटेलर. ठीक है, थेसिस इज अ सिंगल रिटेलर है ये, और ये आपका किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में है. मान लीजिए बोरिंग रोड के रेसिडेंशियल एरिया में ये एक सिंगल आउटलेट जो है वो स्टैंड कर रहा है, वहां है. ठीक है, और एंटीथेसिस जो है, एंटीथेसिस है जो कि मान लीजिए एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि आपके उसी रेसिडेंशियल एरिया में है. ठीक है, तो ओवर अ टाइम यहां पर एक ऑपोजिशन होगा थेसिस के लिए, और एंटीथेसिस जो है वो चैलेंज करेगा थेसिस को, और इस एंटीथेसिस और थेसिस की वजह से एक न्यू रिटेल फॉर्मेट का बोल सकते हैं इट विल बी बॉर्न. राइट, सो डायलेक्टिक थ्योरी कहता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे कि कुछ जनरल स्टोर है जो कि आपका रेसिडेंशियल एरिया में है. उसी रेसिडेंशियल एरिया में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे या फिर उसी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास एक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर भी है. तो यहां पर एक ऐसा सिचुएशन है कि वन इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेकंड वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड, इन शॉर्ट. राइट, तो जो थेसिस है वो एक सिंगल स्टोर है जो कि रेसिडेंशियल एरिया में है, और जो आपका नेक्स्ट जो एंटीथेसिस है वो मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, और ये मान लो कोई किराना स्टोर है या फिर कोई आपका कन्वीनियंस स्टोर है, कोई भी स्टोर है. तो इन दोनों में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है चूंकि वो एक पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर इज ऑलवेज पावरफुल एज कंपैरिजन टू द स्मॉल रिटेलर्स. राइट, तो ये बिग रिटेलर्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, और जो कन्वीनियंस स्टोर है वो स्मॉल रिटेलर्स है. सो जो बड़े रिटेलर्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर है, दैट इज गोइंग टू गिव अ बेसिकली अ चैलेंज की तरह एक चलेगा आपकी चीजें. कंज्यूमर्स जो हैं, इफ दे विल फाउंड कि डिपार्टमेंटल स्टोर में उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उनके स्टोर में जाएंगे. अगर उनको कोई प्रोडक्ट जल्दी में खरीदना है विदाउट बिलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, सो हो सकता है कि वो आपके सिंगल कन्वीनियंस स्टोर से परचेज करें. सो देयर विल बी ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन बिकॉज बोथ स्टोर आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया. So it is going to give the option of the third type of retail store, and it is going, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका discount departmental convenience store हो सकता है, आपका discounted departmental store होता है, तो that is going to give a option of the new type of retail format. तो इसको हम कहते हैं dialectic process. तो यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल में एक आप लोग ये डायग्राम जरूर बना लेना, जैसे यहां पर लिखो थेसिस और यहां पर डिस्काउंट स्टोर. अब ये जो डिस्काउंट स्टोर है, और यहां पर लिखो डिपार्टमेंटल स्टोर, और इसको लिख लो एंटीथेसिस. ठीक है, और इन दोनों से न्यू जो एक फॉर्मेट क्रिएट हुआ है, दैट इज अ डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर. तो दैट इज अ सिंथेसिस, ये सिंथेसिस होगा आपका. ठीक है, दैट इज अ सिंथेसिस. So this one is the discount store, this one is the departmental store, and the new format which is born, that is a discount departmental store. समझ में आई बात? हो सकता है कि जो discount store आपको benefit या फायदा जो दे रहा है, वो हो सकता है आपको departmental store में नहीं मिल रहा हो. Discount store में हो सकता है आपको low cost में product मिल रहा है, लेकिन departmental store में आपको varieties मिल रही है. तो दोनों स्टोर का अपना अपना एक बेनिफिट है, लेकिन चूंकि एक अगर एरिया में ये दोनों स्टोर हैं, तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. सो द न्यू स्टोर जो आएगा, वो हो सकता है इन दोनों के लैक, जो भी चीजें लैक हो रही हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्काउंट की प्रॉब्लम है, डिस्काउंट स्टोर में वेराइटीज की प्रॉब्लम है, सो दैट इज गोइंग टू सॉल्व बाय द न्यू फॉर्मेट, एंड दैट इज अवर डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर. तो दैट इज नोन एज अ डायलेक्टिक प्रोसेस और द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? एवरीवन? यस मैम. यस, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, तो ये थ्योरीज तो लगभग हो गया है कंप्लीट. अब किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम श्रिंक रोल. तो देखिए, श्रिंक जो है ये, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी अपने स्टोर में
It's not about that you have a limited number of products in your store. It is not shrinkage. Shrinkage is when you have some particular 500 number of bottles, and maan lijiye ab wo bottle jo sale hua that is only 400. Theek hai? Why this has happened? Because jo aapka 100 bottle tha, ya to wo damage ho gaya, या तो फिर वो थेफ्ट हो गया, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, तो श्रिंकेज इसी को कहते हैं कि जब आपका जो मर्केंडाइज जो आपने ऑफर किया, जो आपने मर्केंडाइज सेल करना था, मर्केंडाइज इज ऑलवेज दूस थिंग्स विच इज ऑफर टू सेल. तो जो मर्केंडाइज आपको सेल करना था, जितना नंबर क्वांटिटी और जितना प्रॉफिट आपको अर्न करना था, उससे जब आप कम अर्न करते हो या जो क्वांटिटी होता है जब वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, सो दैट इज अ श्रिंकेज कहते हैं उसको. श्रिंकेज किसी भी स्टोर में जो आपके जो नंबर या क्वांटिटीज या फिर जो प्रॉफिट है, जो आपका डिफाइंड प्रॉफिट और डिफाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, जब वो रिड्यूस हो जाता है, सो दैट इज नोन एज श्रिंकेज. और श्रिंकेज जो है, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द रिटेल स्टोर. व्हाई? बिकॉज इसकी वजह से आपका प्रॉफिट का बहुत लॉस है, आपके इन्वेंट्री का लॉस है. तो श्रिंकेज जो है, इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, श्रिंकेज को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं इफेक्टिवली, उसके बारे में हम यहां देखेंगे. ठीक है, और लॉस ये जो है, ये लॉस क्यों होता है, इसका श्रिंकेज का क्या क्या रीजन है, तो लेट मी टेल यू. द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय थेफ्ट, यानी कि वैसे एम्प्लॉय, वैसे लोग, वैसे पर्सन जो आपके ही स्टोर में वर्क कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय. ठीक है, तो कई बार इम्प्लॉई के द्वारा भी चोरी की कर ली जाती है सामान, इम्प्लॉई थेफ्ट. शॉपलिफ्टिंग, शॉपलिफ्टिंग यानी कि जब कोई कंज्यूमर आता है और आपके स्टोर से वो सामान को चोरी कर लेता है, तो उसको कहते हैं शॉपलिफ्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एरर. सो एक तो मैंने एक नॉर्मल और लेमैन लैंग्वेज में बताया कि श्रिंकेज होता क्या है. एडमिनिस्ट्रेटिव एरर में क्या होगा कि या हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट को काउंट करने में दिक्कत हो गई हो, आपके पास अवेलेबिलिटी जो प्रोडक्ट की हो दैट इज ओनली 450 और आपने उसको काउंट कर लिया होगा 400, तो 50 इन्वेंट्री का जो लॉस है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेटा आपने मेंटेन किया उसके हिसाब से है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द श्रिंकेज. वेंडर फ्रॉड, जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है, आपने एग्रीमेंट किया है 450 प्रोडक्ट का और आपको उसने डिलीवर किया 440 प्रोडक्ट, right? So there can be the error from the vendor side or the fraudulent activity can be done from the vendor side who are delivering the product to your store. ठीक है, damage of the product can be the possible thing. मतलब product जो है वो damage हो गया, टूट गया, खराब हो गया, sale करने like quality उसकी नहीं रही, so that can be possible. इसकी वजह से भी आपका shrinkage हो सकता है. shrink का मतलब बहुत, अगर हिंदी में समझो तो जो चीज सिकुड़ जाना इसको कहते हैं, right? तो दैट इज यहां पर ये सारी रीजन है इसके श्रिंकेज के. उसके बाद कैशियर एरर, कैशियर जो पैसा लेते हैं, है ना, अगर उन्होंने गलती से कोई डेटा नहीं अपलोड किया या अपडेट किया, तो इस वजह से भी आपका जो अमाउंट और आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल में डिफरेंस आएगा, राइट? सो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि श्रिंकेज इन सारे रीजन से होता है. कैशियर की गलती से हो सकता है, वेंडर के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से हो सकता है, वेंडर की मिस्टेक से हो सकता है, शॉपलिफ्टिंग से हो सकता है, प्रोडक्ट के डैमेज होने से हो सकता है, एम्प्लॉयज थेफ्ट से हो सकता है. सो दीज आर द रीजन ऑफ द श्रिंकेज इन द रिटेल स्टोर. क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आया? तो श्रिंकेज क्या है इसको लिख लो. श्रिंकेज जो है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू रिकॉर्डेड, यानी आपने क्या रिकॉर्ड किया. जैसे मैं एक स्टोर ने 500 क्वांटिटी रिकॉर्ड कर लिया, सो व्हाट यू रिकॉर्डेड, श्रिंकेज का मतलब ये है व्हाट यू रिकॉर्डेड, एंड फॉर द कंपनी इन्वेंट्री में आपने क्या रिकॉर्ड किया और बैलेंस शीट में एक्चुअल इन्वेंट्री क्या शो हो रहा है. सो द डिफरेंस बिटवीन दैट इज बेसिकली अ श्रिंकेज. लाइक आपने रिकॉर्ड किया 500 और आपका जो फाइनल बैलेंस शीट है वो दिखा रहा है आपका 458. ठीक है, तो जो 42 प्रोडक्ट का जो इधर उधर जो नहीं डेटा मिल रहा है, दैट इज बेसिकली अ श्रिंकेज. कि आपने क्या रिकॉर्ड किया कि एक्चुअल प्रोडक्ट कितना था और आपका बैलेंस शीट में फाइनल कंपनी में क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है. अगर इक्वल है,
कि आपने 500 रिकॉर्ड किया था और 500 का ही वो यूनिट का अमाउंट पैसा सब कुछ दिखा रहा है, तो देर इज नो श्रिंकेज. बट इफ इट इज शोइंग लेस देन वॉट यू रिकॉर्डेड अर्लियर, सो दैट डिफरेंस इज द श्रिंकेज. समझ में आ गया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके. तो अब इसमें क्या क्या चीजों से ये सुधार हो सकती है, व्हाट इज द रीजन, हाउ इसको कैसे हम सुधार सकते हैं? एक मिनट रुको. क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज इन द स्टोर. स्टोर में कैसे श्रिंकेज को कम कर सकते हैं? तो पहला, शॉपलिफ्टिंग जो है या जो आपका एम्प्लॉइज थेफ्ट है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग द कैमरा. तो आप हर जगह अपनी स्टोर में कैमरा जो है उसको आप लगा सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं कैमरास को. और कैशियर जहां पर बैठते हैं, यानी कि जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसों का, ठीक है, बिल वगैरह बन रहे हैं, लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहां पर भी आप कैमरा को लगा सकते हैं. इस पे आप एक्सपर्ट को यूज कीजिए जो आपके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करे प्रॉपरली. सो प्रॉपर अकाउंटेंट होना चाहिए आपके पास, राइट? प्रॉपर ऑडिटर्स, ऑडिटर तो खैर चलिए बाहर से भी आप ला सकते हैं अपना ईयर एंड पर. तो आप पहली चीज तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं. इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो. सबसे पहले क्लेरिफाई कीजिए कंपनी की पॉलिसीज. अगर कोई भी इम्प्लॉई और कस्टमर थेफ्ट होता है तो इस सिचुएशन में क्या एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, वो आप मेंशन कर दीजिए. अपने वेबसाइट पे कर सकते हैं, अपने स्टोर में कर सकते हैं. उसके अलावा आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, ट्रेन इम्प्लॉइज अबाउट द थेफ्ट प्रिवेंशन. कि जो आपके इम्प्लॉइज प्रेजेंट है आपके स्टोर में, जो शॉप लिफ्टिंग हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली आप स्टोर के मतलब अंदर कोई जा करके फिर चोरी कर रहा है, तो ये तब हो सकता है ना जब यहाँ केयरलेसनेस हो इम्प्लॉइज की तरफ से या कुछ भी. तो आप अपने इम्प्लॉइज को ट्रेन कीजिए, उनको उनके उनको बताइए कि किस तरीके से दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हेन दे आर इन द स्टोर, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि आपका जो थेफ्ट है, शॉप लिफ्टिंग जो हो रही है, वो रिड्यूस होगी कहीं ना कहीं. शॉप लिफ्टिंग अवेयरनेस के ऊपर आप उनको ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरीके से आप कस्टमर मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं कस्टमर थेफ्ट को, ठीक है. और नेक्स्ट वन इज, आप रिड्यूस कीजिए ह्यूमन एरर विद चेकलिस्ट एंड रिपोर्टिंग. जो भी चेकलिस्ट और रिपोर्ट्स रेडी किए जाएंगे बाय द इम्प्लॉइज, उसको आप डबल चेक करवाइए, ठीक है. उसको ऑडिट कीजिए और जो एक्सपर्टीज है या स्किल्ड पर्सन है उसको रिपोर्ट करने की अथॉरिटी बनाइए. तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन एरर है, अगर किसी एक पर्सन से मिस्टेक हुआ है रिकॉर्ड करने में चीजों को, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फाइनलाइज. क्योंकि जब दोबारा डबल चेक होगा, क्रॉस चेक होगा, तो जो भी गलतियां होंगी, जो एरर्स होंगे, वो फाउंड होंगे और उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट. फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं, वी आर बेसिकली कंडक्ट द फ्रिक्वेंट इन्वेंट्री ऑडिट. इन्वेंट्री ऑडिट यानी कि जितने भी स्टॉक हैं उनके ऑडिट वगैरह जो है वो हम फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं. सर्विलेंस तो मैंने बता ही दिया, कैमरा एंड ऑल. उसके बाद आप हायर एक लॉस प्रिवेंशन मैनेजर को आप हायर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. ट्रिपल चेक करा सकते हैं वेंडर से. अगर वेंडर कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है आपके यहाँ पर, तो आप कोशिश कर सकते हैं या कर सकते हैं आप कि आप उनके सामने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में चल के ये ना पता लगे कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट था दैट वॉज लेस, राइट. सो वॉट यू कैन डू कि आप केयरफुल रह सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को बोल सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं आप उनको काउंट कीजिए. डैमेज प्रोडक्ट अगर वहां से आया है तो उसको वापस आप उनको उनको डिलीवर कर दीजिए, राइट. सो ट्रिपल चेक वगैरह. उसके अलावा जो आप मर्केंडाइज को रखते हो, जहां पर भी आप वेयर हाउस है आपका या जहां पर भी आप प्रोडक्ट को स्टॉक कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द प्रॉपर वे. अगर कोई ऐसा आइटम है दैट इज अ फ्रेजाइल, जैसे कि ग्लास का कोई आइटम है या कुछ भी ऐसा आइटम है जो टूट सकता है, सो यू जस्ट नीड टू कीप और अरेंज इट इन द प्रॉपर वे कि उससे आपका डैमेज जो है वो मिनिमाइज हो, ठीक है. और कहीं पर भी
कोई भी स्टोर है अगर वो क्रॉकरी आइटम है तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल आइटम सेल कर रहा है, कुछ भी गिरेगा टूट जाएगा. तो एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो एक रैक में मत रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एक रैक और शेल्फ में रख देंगे तो क्या होगा कि कोई भी कस्टमर अगर एक भी प्रोडक्ट को कोशिश करेगा देखने का तो हो सकता है उसकी वजह से अदर प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाए, राइट? तो फ्रेजाइल आइटम्स हो या फिर कोई भी आइटम जो है जो एक्सपेंसिव है, स्मॉल आइटम है, उन सबको आप ग्लास कैबिनेट में रख सकते हैं सेफ्टी के साथ. कोई फ्रेजाइल आइटम है, डैमेज होने वाले आइटम्स हैं, तो उनको प्रॉपरली स्टॉक कीजिए, स्पेस रखिए. और आइटम को जिसको आप बेसिकली नंबरिंग कर रहे हो, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक एक कार्टन के ऊपर दूसरा कार्टन रख रहे हो, तो आपको केयरफुल रहना है कि नीचे जो कार्टन में सामान है दैट इज नॉट गोइंग टू बी डैमेज बाय द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी इन द अप, मतलब जो ऊपर में जितने भी सामान है उससे वो नीचे जो आपके ग्राउंड में जो है वो डैमेज ना हो. सो जो क्लासिफिकेशन स्टोरिंग सिस्टम होना चाहिए दैट शुड बी प्रॉपर, ठीक है. टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कीजिए, ये नंबर वगैरह जो हाथ में काउंट करना रिकॉर्ड करना इसका काम आप कंप्यूटर में कीजिए, ठीक है. बिल बनाइए, बिलिंग जो होता है डैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार कुछ प्रोडक्ट की बिलिंग जब नहीं होती है तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहने की वजह से भी वो श्रिंकेज ही बन जाता है, ठीक है. सो बिल वगैरह जो भी है उनको आप अपने पास रिकॉर्ड में रखिए. समझ में आ गया सबको how we are able to control the shrinkage? clear हो गया? cause of shrinkage जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, internal theft हो गया, paper work error हो गया, employees theft हो गया, shoplifting हो गया. reduce कैसे कर सकते, मैंने बता ही दिया था आपको कि आप prevent कर सकते हैं paper work errors को, cross check कीजिए, internal audit करवाइए, रिपोर्टिंग सिस्टम बनाइए जो एक्सपर्टीज है उनके साथ, मतलब उनको रिपोर्ट करें आपके एम्प्लॉयज, ये सब जो है. और आप सर्वेलेंस यूज कर सकते हो, प्रॉपर स्टोरिंग सिस्टम हो सकता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द बोल सकते दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टॉपिंग दिस श्रिंकेज और कंट्रोलिंग श्रिंकेज. समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस टॉपिक? यस मैम. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग द अदर टॉपिक्स एज वेल. सो कुछ बच्चों ने मुझे सर्वक्वेल भी बोला है, गैप्स मॉडल और सर्वक्वेल, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट ठीक है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी. देखती हूँ अभी कुछ छोटा सा टॉपिक जो भी हो जाए दो मिनट में, एग्री मैनेजमेंट है ये सब चीजें मैं करा दूंगी, ठीक है. एनी वन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द थ्योरी एंड द श्रिंकेज कंट्रोल? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay, see you all in the next class. समझ में आ गया है ना? और तो कोई डाउट नहीं है? Okay.